में हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकोसिस क्या है और न्यूरोसिस क्या है। साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स या सीवियर मेंटल इलनेस होती है साइकोसिस। और जो न्यूरोसिस है, ये माइल्ड फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं। जो साइकोसिस है वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और जो न्यूरोसिस है वो माइल्ड फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं। साइकोसिस में या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं सिजोफ्रेनिया, डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। और न्यूरोसिस में आ जाते हैं एंग्जाइटी, फोबिया एंड फियर। दीज आर द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है कि साइकोसिस में लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी प्रेजेंट। इसमें पर्सन जो है, अगर साइकोटिक डिसऑर्डर वाला पर्सन है कोई, तो उसका रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो न्यूरोसिस है उसमें रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता। सेकंड डिफरेंस है साइकोसिस पर्सनैलिटी चेंजेस प्रेजेंट। इसमें जो पर्सन की पर्सनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो न्यूरोसिस है ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब इसका जो मेन असर है वो फंक्शंस पे पड़ता है। डू नॉट अफेक्ट द पर्सनैलिटी। इससे जो पर्सन की पर्सनैलिटी है, जो पर्सन का बिहेवियर है, पर्सन का जो एटीट्यूड है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है साइकोसिस द पर्सन विद साइकोसिस डज नॉट रियलाइज हिज और हर डिसऑर्डर। मतलब कि जो पर्सन में डिसऑर्डर प्रेजेंट है, चाहे वो सिजोफ्रेनिया है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे वो डिल्यूशनल डिसऑर्डर है, लेकिन पर्सन को या पेशेंट को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, इनसाइट नहीं होती। लेकिन जो न्यूरोसिस है उस केस में पर्सन अगर एंग्जाइटी है पर्सन को, या फोबिया है, या फिर उसको फियर है, या नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, तो उस केस में पर्सन को उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस होती है, प्रेजेंट होती है, इनसाइट जो है वो पेशेंट को प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है साइकोसिस द थॉट स्पीच एंड कम्युनिकेशन चेंज। इसमें साइकोसिस में जो पेशेंट का थॉट कंटेंट है, थॉट प्रोसेस है, स्पीच है, जहाँ कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और न्यूरोसिस में जो पेशेंट का लैंग्वेज है, पेशेंट की स्पीच है, पेशेंट की थॉट प्रोसेस है, या पेशेंट की कम्युनिकेशन है दूसरों के साथ, पर्सन्स के साथ, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस है साइकोसिस में मेनली जो हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं। और डिल्यूजन्स में डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर या पैरानॉइड डिल्यूजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूरोसिस है इसमें हेल्यूजिनेशंस या डिल्यूजन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें पेशेंट नर्वस होता है, पेशेंट एंक्शियस होता है, पेशेंट को पैनिक अटैक हो सकते हैं, और पेशेंट जो है वो सैड हो सकता है, पेशेंट जो है वो एंक्शियस हो सकता है, लेकिन इसमें हेल्यूजिनेशंस या डिल्यूजन्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है साइकोसिस में ऑर्गेनिक रीज़न जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब ऑर्गेनिक कॉज जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूरोसिस में ऑर्गेनिक रीज़न या ऑर्गेनिक कॉज प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है साइकोसिस में जेनेटिक फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें। अगर पेरेंट्स को अगर पहले से कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है,
या साइकोटिक डिसऑर्डर है तो वो आगे बच्चों में भी हो सकता है। लेकिन न्यूरोसिस में जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं या हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है, साइकोसिस में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें मतलब अगर पेशेंट को लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स प्रेजेंट हों तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता, उसका प्रभाव जो है वो पेशेंट के ऊपर कम होता है, जाए साइकोसिस जो है इस स्ट्रेस के कारण नहीं होता। लेकिन न्यूरोसिस में पेशेंट के अगर लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसका काफ़ी असर होता है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट एंग्जियस हो सकता है, पेशेंट को पैनिक अटैक हो सकते हैं, पेशेंट को फोबिया हो सकता है, तो पेशेंट जो है सैड हो सकता है, इमोशनल हो सकता है पेशेंट। तो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो है वो काफ़ी असर छोड़ते हैं न्यूरोसिस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो साइकोसिस है उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और साइकोथेरेपी। और जो न्यूरोसिस है इसमें पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट का इलाज करना जो है इजी रहता है और इसमें ज़्यादातर बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।